प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको वृश्चिक राशि वालों के लिए ये आगे आने वाला वर्ष कैसा रहेगा इसकी जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं या लग्न के भी हैं, तो भी आप आज की वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि आगे आने वाले वर्ष में आपको कैसा प्रभाव मिलेगा, किस समय पर आपको सावधानी रखनी है और किस समय पर आपके सोचे गए सभी काम बनने वाले, आपके विवाह के लिए, संतान के लिए, आपके व्यापार, आपके करियर के लिए, नौकरी के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए कैसा प्रभाव लेकर आ रहा है ये वर्ष 2024, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही इस वर्ष में करने के लिए एक विशेष उपाय भी आपको बताऊंगा। तो वो सबको जानने के लिए आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। आप आज की वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे आने वाले वर्ष की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आइए बिना विलंब किए मैं एक एक करके आपको आगे आने वाले वर्ष की जानकारी देता हूं। सबसे पहले ऐसे ग्रहों की बात करते हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और उनका प्रभाव लंबे समय के लिए हमें प्रभावित करता है। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात गुरु की करते हैं। गुरु अगर देखा जाए तो आपकी राशि या लग्न के लिए एक प्रमुख ग्रह बनते हैं, आपको शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। ऐसे में गुरु अभी तक आप जानते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। जो कुंडली का छठा भाव होता है ये रोग, रिपु और ऋण को दर्शाता है, यानी कहीं ना कहीं इस भाव से शुभ बातों का विचार नहीं किया जाता। तो इस भाव में गुरु के आने से कम गुरु ऐसा ग्रह है जहां पर भी जाएगा अपनी शुभता ही फैलाएगा। इसीलिए छठे भाव में गुरु के रहने से आपको ये परेशानियों से बचाने का प्रभाव जरूर दे रहा था, लेकिन ये आपकी कुंडली का प्रमुख ग्रह है। आपके द्वितीय भाव जो धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, उसको ये गुरु दर्शाता है। आपके पंचम भाव को, संतान का जो भाव है, आपके ज्ञान का, आपकी शिक्षा का पंचम भाव जो है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी प्रमुख होता है, उसको भी ये दर्शाता है। अब इसका स्वामी छठे भाव में जाएगा तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर तो कमी आ जाएगी। छठा भाव तो थोड़ा शुभ हो जाएगा, आपको कर्जों से मुक्त करने का काम करे, आपको आगे बढ़ाने का काम करे, धन की स्थिति देने का काम करे, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये अपना उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा जितना अन्य किसी भाव में ये दे पाता। वैसे तो छठे भाव में किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा माना गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था पिछली बार भी कि छठे भाव में गुरु जैसे ग्रह का गोचर होना आपको छठे भाव की परेशानियों से बचा लेगा, लेकिन आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगी और तब जाकर आपके सोचे गए काम बने, आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपकी धन की स्थिति अच्छी बनी रहे, उसके लिए ज्यादा प्रयास आपको करना पड़ेगा। और ये अगले साल शुरुआत के महीने में भी जारी रहेगा, तब तक 1 मई 2024 तक, क्योंकि इसी दिन गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु चले जाएंगे कुंडली के सप्तम भाव में। जहां वृषभ राशि है वहां गुरु चले जाएंगे। वैसे छठे भाव के गुरु का प्रभाव नौकरी पेशा लोगों के लिए ज्यादा अच्छा था, ये पिछली बार मैंने आपको कहा था, और सप्तम भाव में गुरु का गोचर व्यापारियों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जो अपना काम करते हैं, जो व्यापार में है, उनको शुभ प्रभाव सप्तम भाव का गुरु देने का काम करेगा। वैसे सप्तम का गुरु सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी दृष्टि लाभ भाव पर होंगी तो लाभ के योग बनाएंगी, पराक्रम भाव पर होंगी आपसे सही पराक्रम करवाएंगी, और लग्न पर होने से मान सम्मान, प्रमोशन, पदोन्नति और तरक्की देने का यह काम करेगा। यानी अगर गुरु का सप्तम भाव में प्रभाव देखे तो आपको ये लाभ देने वाली स्थिति दर्शा रहा है। आप सप्तम भाव में है तो कई बार आप जिसके साथ में काम करते हैं, अगर आप किसी के साथ में पार्टनरशिप में काम है तो आपके पार्टनर से आपको लाभ होता है। सप्तम भाव में गुरु के होने से जीवन साथी से लाभ होता है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो सप्तम भाव में गुरु का प्रभाव विवाह के श्रेष्ठ योग बनाएगा 1 मई 2024 के बाद। तो 1 मई 2024 के बाद जो विवाह के लिए प्रयासरत थे उन्हें भी शुभ प्रभाव मिलने लग जाएगा, और इसके शुभ परिणाम स्वरूप आपके अन्य भी जो कार्य है, व्यापार आदि से जुड़ा, आप कुछ काम नया चालू करना चाहते थे, उस काम में तरक्की मिलेगी। व्यापार पहले तो था लेकिन इतना अच्छा चल नहीं रहा था, उसमें भी आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ नया करने के लिए ये गुरु आपको सफलता और
कहीं ना कहीं प्रभाव भी देगा, आपको अवसर मिलेंगे और उस अवसर में आगे बढ़कर सफलता आपको प्राप्त होगी, तो यह आपके लिए अच्छा प्रभाव। इसके बाद अगर हम दूसरे ग्रह की बात करें तो वो है राहु और केतु। अभी तक तो राहु छठे भाव में था, पिछले साल राहु अक्टूबर तक छठे भाव में था, केतु था आपकी कुंडली के बारहवें भाव में। अब राहु केतु की बात करें तो ये स्थिति कोई खराब तो होती नहीं छठे और बारहवें भाव की, खराब पंचम और एकादश भाव की भी नहीं होती है। पांचवें भाव में राहु आकर आपको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ता है, आपको कुछ नया सिखाता है, या फिर आप कोई नए काम में जुड़ जाए, आप कोई ऑनलाइन काम से जुड़ जाए, यह प्रभाव राहु दिखाता है। राहु जहां जाता है उसको एक्टिव करता है। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है या वृश्चिक लग्न है तो पंचम भाव के एक्टिव होने से स्वास्थ्य के लिए तो ये शुभ करेगा ही, लेकिन इसके अलावा ये शुभ करेगा संतान के लिए, ये शुभ करेगा शिक्षा के लिए। जो संतान के योग आपके लिए बनने चाहिए वो ये कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव बनाएगा। हाँ, ये है कि गुरु की दृष्टि जब लग्न पर आएंगी तो और मजबूत प्रभाव मिलेगा, यानी 1 मई के बाद। लेकिन ये आप देख पाएंगे कि जो इसका प्रभाव है राहु का, जो पंचम भाव में है, पंचम भाव को एक्टिव करेगा, आपको नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, नए लोगों से आप जुड़े और आपको अच्छा परिणाम देखने को मिले, ये बात आपके लिए पूरे वर्ष बनने वाली है। वैसे तो देखो, मैं आपको बता चुका हूं, राहु और केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव 3 महीने बाद से ज्यादा प्रभावी हो पाता है, क्योंकि इनकी दो वैल्यू होती है, एक तो ट्रू वैल्यू, एक मीन वैल्यू। उसमें नहीं जाऊंगा, आप इतना समझ के चले कि केवल और केवल राहु और केतु, जब भी राशि परिवर्तन आपको बताया जाता है कि हो रहा है, उसके 3 महीने बाद से उसके इंपैक्ट दिखने चालू होते हैं या ज्यादा मजबूती से मिलना चालू होते हैं उनके प्रभाव। तो इसीलिए वो प्रभाव आपको अगले वर्ष के जनवरी से ज्यादा अच्छे से मिल पाएंगे, आप ये देख पाएंगे। इसके अलावा केतु की स्थिति लाभ भाव में अच्छी होती है, भाग्यशाली योग बनाती है। हाँ, आपको ध्यान रखना है, ये केतु रोग प्रदान करता है, राहु बचाव करता है रोग से, केतु देता है। लेकिन केतु कौन से रोग देता है? लाभ भाव का केतु गुप्तांगों से जुड़े रोग देता है, कई बार पाइल्स, या फिर मैं कहूं कि पथरी आदि हो जाने जैसा प्रभाव इस केतु में है, किसी प्रकार की एलर्जी इन्फेक्शन, या फिर मैं ये बोलूं कि आपको मुंह से जुड़े रोग, स्किन से जुड़े रोग ये केतु दे सकता है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये केतु का प्रभाव भी लाभ में कोई कमी लाने वाला नहीं है। केतु आकस्मिक ग्रह है, आपने जब छोड़ दिया होगा कि अब तो मतलब कुछ नहीं हो सकता, या अब तो कोई पैसे आने वाला कोई मार्ग बचा नहीं है, लाभ का कोई मार्ग दिखता नहीं है, काम बनने का कोई मार्ग दिखता नहीं है, वहीं पर ये केतु आपके लिए काम बनाएगा। क्योंकि केतु जो है ये आकस्मिक ग्रह है, गुरुवत प्रभाव देने वाला देखा गया है केतु। वैसे तो मंगल के समान इसको माना गया है, लेकिन शुभता में ये गुरु के समान है और ये लाभ भाव में होकर लाभ भाव की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल इसमें कोई खराबी की बात नहीं है, इसमें लाभ भाव में केतु का प्रभाव अच्छा ही शुभ प्रभाव की स्थिति ही बनाने वाला है। फिर शनि की बात करते हैं। शनि आपकी राशि से, आपकी वृश्चिक राशि है, उससे चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। वैसे तो शश नामक महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। अब जिनका लग्न है उनके लिए पूरी तरह से अच्छा है, यानी जिनका वृश्चिक लग्न है उनके लिए ये शनि का प्रभाव बहुत अच्छा है। ये बल्कि भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों को दिलाने वाला है, आपके सोचे गए काम बनाने वाला है। घर बनाना चाहते थे उसके लिए समय अच्छा है, जनता से जुड़कर कोई काम करना चाहते थे, राजनीति में आप है उसमें सफलता के लिए अच्छा है। और अगले वर्ष तो राहु के ही नक्षत्र में रहने वाला है, तो राजनीति में लोगों से जुड़कर कोई काम करने में आपको ये सफलता दिलाएगा। लेकिन खराब किसके लिए रहेगा? ये खराब रहेगा जिनकी राशि है वृश्चिक राशि। अब खराब से मतलब ऐसा नहीं पूरी तरह ये अशुभ प्रभाव देगा, लेकिन खराब से मतलब ये है कि आप जानते हैं कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, और इस ढैया के कारण आप एक प्रभाव ये देख पा रहे हैं कि कुछ मानसिक अशांति बनती होंगी, काम में थोड़ी रुकावट महसूस होती होंगी, अन्य जिन पर आप विश्वास करते होंगे उनसे धोखा मिलता होगा, और यूं भी वृश्चिक वालों को तो अन्य का साथ मिलता ही नहीं है, इसीलिए ये बात जाता है कि अब ये शनि के प्रभाव से ये चीजें बढ़ जाएंगी। इसीलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आगे आने वाले वर्ष में किसी भी प्रकार से अन्य पर विश्वास करके कोई काम नहीं करना है, अपने दम पर आगे बढ़ना है। और चतुर्थ भाव में शनि राशि से चल रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मानसिक चिंता आपके मन में चल सकती है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, धीरे रखेंगे, सोच विचार कर काम करेंगे, अन्य की सलाह लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव जरूर मिलेगा।
और माता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि राशि से चौथा चलता शनि माता के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करता है, घर में व्यर्थ की चिंता और नेगेटिविटी को फैलाता है, तो उससे आपको बचना चाहिए, व्यर्थ की चिंता से बचना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। क्या उपाय करना है उसकी बात आगे करेंगे। बाकी सुख सुविधा में आपकी भी कमी नहीं होगी, बस चिंता के कारण आप उसका उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसमें उतना सुखी नहीं हो पाएंगे, बस इतनी कमी शनि कारण आती है। इसे कैसे ठीक करना है उसकी बात आगे करते हैं, लेकिन बात हम करते हैं मुख्य रूप से आपकी राशि या लग्न के स्वामी मंगल की। मंगल भी आपके लिए बहुत प्रमुख ग्रह बनता है। ये मंगल भी आपको वर्ष पर्यंत जिस जिस प्रभाव में आएगा उस तरह की स्थिति देगा। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, इसके पहले आपने देखा कि जब मंगल का गोचर नवंबर में उसके पहले आपकी राशि से 12वें में था, तुला राशि में था, तो आपको चिंता, टेंशन, व्यर्थ में खर्च, स्वास्थ्य में कमजोरी या हॉस्पिटल पर खर्च, ये आपको देखने को मिले होंगे। अब क्या है कि मंगल का प्रभाव आपकी राशि, आपकी वृश्चिक राशि पर चल रहा है, तो वृश्चिक राशि पर प्रभाव अच्छा रहेगा। अब जब नया वर्ष प्रारंभ होगा तब भी इसका प्रभाव इसी प्रकार का है, और बल्कि मैं तो कहूं मजबूती में ही है। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि आगे आने वाले वर्ष का प्रारंभ, जो ये गुरु की राशि में चले जाएंगे तब तक धनु राशि में मंगल रहेंगे, धनु राशि में मंगल जब वर्ष प्रारंभ होगा तब रहेंगे। अब वर्ष के प्रारंभ से आप एक बात देख पाएंगे कि इस वर्ष में कुटुंब से जुड़ा कोई बड़ा काम हो सकता है, जैसे कुटुंब में वृद्धि हो, यानी संतान आदि की स्थिति बता ही रहा हूं मैं आपको, मांगलिक काम हो, क्योंकि लग्नेश वर्ष के प्रारंभ में जहां रहेगा उस वर्ष उससे जुड़ी घटनाएं ज्यादा होंगी। तो आपकी राशि हो लग्न हो दोनों ही की प्रभाव से बता रहा हूं, आपके कुटुंब में बहुत से काम होने वाले हैं। अब वो आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा शुभ होने वाले हैं या अशुभ होने वाले हैं, क्योंकि मंगल केवल काम बता सकता है गोचर में आकर के, तो वो कुंडली आपकी निर्भर करेंगी कैसा काम होने वाला है। लेकिन मंगल चूंकि लग्न का स्वामी है तो लग्नेश अधिकतर आप देखेंगे अधिकतर के जीवन में जो वृश्चिक राशि लग्न वाले हैं कुटुंब से जुड़ा कोई अच्छा काम होगा, कोई शुभ कार्य मांगलिक काम आपके कुटुंब में होगा, और वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से शांत करेगा, आपको सुखी करेगा, ये बात देखने को मिलेगी, और ये कुंडली के दूसरे भाव में मंगल के होने से होगा। फिर मंगल तो कुछ ही समय में परिवर्तन करके उच्च राशि मकर राशि में जाएंगे, मकर राशि में मंगल जोरदार प्रभाव देंगे, और उसके बाद लगभग मार्च और अप्रैल वाले 2 महीनों में मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव में रहेगा, मंगल शनि के साथ रहेगा। ऐसे तो विस्फोट योग और अलग अलग प्रकार से आपको डरा सकते हैं, लेकिन ये योग आपको भूमि भवन विशेष रूप से दिलाने वाला है। अब कोई भी काम आपका अटका हुआ था जमीन आदि से जुड़ा आप इस समय बना सकते हैं, कोई विवाद वगैरह भी था तो उसे भी दूर कर सकते हैं, ये समय उसके लिए भी अच्छा है। हाँ ये जरूर है कि देखो चतुर्थ भाव में तो उग्र ग्रह होंगे मंगल शनि जैसे, तो ये घर में विवाद कलह माता के स्वास्थ्य में कमजोरी उत्पन्न कर सकते हैं, भले विशेष कोई खराबी ना हो क्योंकि मंगल लग्न का स्वामी है, लेकिन ये संभव है कि थोड़ी चिंता आपके मन में आ सकती है किसी बात को लेकर, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे ओवरऑल इसका प्रभाव अच्छा है। मंगल वैसे मैं आपको बता दूं मार्च से ही पापक ग्रहों के प्रभाव में रहने वाला है, क्योंकि मार्च में शनि के साथ है, उसके बाद ये चले जाएगा आगे राहु के साथ कुंडली के पंचम भाव में। अब मेन प्रभाव जो थोड़ा कमजोर आता है वो पंचम भाव में ही आता है, वैसे तो व्यापारियों के लिए तो ये भी खराब नहीं है, लेकिन जिन्हें संतान होने वाली है या फिर आप ये बोलिए कि कहीं ना कहीं जो विद्या के लिए मतलब आगे बढ़ रहे हैं, जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, उनके लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है, या फिर आप ये बोलिए कि अब जैसे कोई आपकी संतान कुछ काम आगे करना चाहती थी तो उससे जुड़ी चिंता आपके मन में आ सकती है, क्योंकि राहु मंगल दोनों साथ में होकर कुछ चिंता का प्रभाव दे सकते हैं, पंचम भाव से जुड़ी चिंता दे सकते हैं। और ये बात तो है ही कि देखो पंचम भाव में भी आपके साल में 2 ग्रहण तो लगेंगे, तो वो 2 ग्रहण का प्रभाव भी आपकी संतान पर ज्यादा असर डालेगा। तो इसलिए एक बात तय है, इस वर्ष आपको अगर किसी बात का ध्यान रखना है तो पंचम भाव का ध्यान रखना है, या आपके स्वास्थ्य का है, जो नौकरी पेशा है उनके लिए तो खराब है लेकिन जो व्यापारी है उनके लिए अच्छा है, ये जो भाव है ये आपको किसी प्रकार से मतलब आपके बुद्धि विवेक को दर्शाता है। तो इस वर्ष पूरा आपका जो टेस्ट होने वाला आपकी बुद्धि विवेक का होने वाला है, आप परिस्थिति में कैसे काम करते हैं उसी का टेस्ट आपका होने वाला है। वैसे तो राहु आपकी बुद्धि को तेज रखेंगे लेकिन समय समय के साथ आपको धैर्य पूर्वक काम करना सीखना होगा जो आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। यूं भी वृश्चिक लग्न वाले मेष लग्न के समान बहुत तेजी या उतारू वाला काम नहीं करते, धैर्य पूर्वक काम करते हैं, तो आपको वैसे ही करना है।
और बल्कि इसमें मैं कहूं कि थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़ना है। बाकी पंचम का मंगल राहु किसी प्रकार के धोखे में, किसी प्रकार के अन्य पर विश्वास कर लिया, वहां धोखा मिल गया, दोस्त मित्र आदि से धोखा मिल गया, ऐसी कुछ बातें हो सकती है। तो थोड़ा सा अन्य पर विश्वास करने पर थोड़ा ध्यान रखें, विशेषकर जब ये मंगल राहु, विशेषकर आप ये देख पाएंगे कि ये 25 मई से ले अपने 25 अप्रैल से लेकर 29 जून तक ये रहेंगे। तो इस समय अवधि तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब तक ये आपकी कुंडली के इस पंचम भाव में मंगल का गोचर रहेगा उतने समय। पूरा मई का महीना जाएगा इसमें, तो मई का महीना विशेष ध्यान रखें। जून में तो इतना प्रभाव नहीं आ रहा, लेकिन विशेषकर मई में प्रभाव ज्यादा है, तो इसका ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको चिंता नहीं करना पड़े। और इसके अलावा आप देख पाएंगे कि ये समय निकलने के बाद मंगल मेष राशि में, वृषभ राशि में रहेगा, ये भी बहुत बढ़िया समय रहेगा आपके लिए। यानी मंगल तो लाभ देने की स्थिति अच्छी बना ही रहा है, केवल कमजोर कब है, जब वो राहु के साथ है मुख्य रूप से, और वो विशेषकर एक ही महीना समझे, अप्रैल, अपना मई वाला महीना, क्योंकि अप्रैल का अंत है, जून का भी इतना प्रभाव नहीं आ रहा, विशेषकर मई में प्रभाव आ रहा है। तो मई के समय पर आपको ध्यान रखना है, मई के समय पर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मंगल जब अगस्त का महीना आएगा, 29 अगस्त के लगभग वो चले जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में, अपनी मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में रहेंगे तो थोड़ा प्रभाव आपकी राशि से अष्टम में रहेंगे, लग्न से अष्टम में रहेंगे, तो थोड़ा लग्नेश का कमजोर भावों में जाना थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता। तो अष्टम भाव में मंगल रहेंगे तो ये समय, मतलब 29 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर के बीच का, ये लगभग पूरे 2 महीने ही समझ लीजिए ये समय है, थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इसके पहले जब वृषभ में रहेंगे तो व्यापारियों के लिए अच्छा है, यहाँ पर तो विवाह के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु के साथ होंगे। इसके पहले मतलब वो छठे भाव में रहेंगे तो जो नौकरी आदि में है उनके लिए भी शुभ प्रभाव दे देंगे। तो कहने की बात है कि केवल और केवल जब ये अष्टम भाव में है, 29 अगस्त से लेकर आपके 20 अक्टूबर तक, इतना है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये नीच राशि में जरूर जाएंगे लेकिन आपके भाग्य भाव में होंगे। तो 20 अक्टूबर से साल के अंत तक, क्योंकि वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, लेकिन कर्क राशि में ही होंगे, तो इसका प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और इसमें कोई खराबी वाला प्रभाव भी नहीं आएगा, आप देखेंगे शुभ स्थिति ही आपको महसूस होगी। तो इसीलिए देखा जाए तो केवल साल में 2 महीने ऐसे है, एक तो मई वाला, एक अगस्त का भी अंत है तो मुख्य रूप से सितंबर वाला। तो मई और सितंबर ये 2 महीने आपके लिए कमजोर आते हैं, इनमें आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा मंगल को बलवान रखेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि है, मंगल भी आएंगे बीच में, मन को शांत रखने के लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको प्रत्येक मंगलवार को शिवजी के मंदिर में शिवजी पर गुड़ से या गुड़ के रस से आपको अभिषेक करना है। गुड़ अर्पित भी करके आ सकते हैं, उसका रस निकालकर वो भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप गन्ने का रस भी अर्पित कर सकते हैं। यह आपकी धन संबंधी चिंताओं को दूर करेगा, ये कर्ज संबंधी चिंताओं से दूर करेगा, यह आपके कार्य को आसानी से बनाएगा, वर्ष पर्यंत करते रहे, ये 2 महीने तो करे ही लेकिन वर्ष पर्यंत भी करते रहे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ प्रभाव रहने वाला है, और आपको पूरे वर्ष शुभ स्थिति ही प्राप्त होने वाली है। पंचम का प्रभाव खराब ना मिले इसलिए धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, और संतान का ध्यान रखें, संतान को कोई समस्या ना हो उसका ध्यान रखिए, उनके लिए कोई अच्छा करने की कोशिश करें, और बाकी जब मंगल राहु वगैरह रहे तो हनुमान जी की विशेष पूजा करें, और ये मंगल से जुड़ी वस्तुओं का दान भी कर दे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। तो ये था वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए वर्ष 2024 का प्रभाव। वैसे मैं आपको आगे अन्य प्रकार से, जिसमें आपका नाम हुआ, नाम के जो अक्षर होते हैं उससे, और अंक शास्त्र के आधार पर भी आपको आगे आने वाले वर्ष की जानकारी देने वाला हूं। उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।